हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मनोविज्ञान के मीनिंग को समझा था। इसी यूनिट के जो सेकंड टॉपिक है उसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं, और इस टॉपिक का नाम है फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के क्षेत्र। जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं विद्यार्थियों, कि मनोविज्ञान हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में काम आता है, तो वे कौन से क्षेत्र हैं जहां मनोविज्ञान काम आता है, इसका अध्ययन हम आज इस ई लेक्चर में कर रहे हैं। फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के क्षेत्र में पहला क्षेत्र है एबनॉर्मल साइकोलॉजी या असामान्य मनोविज्ञान। दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी ट्राइज टू डिस्क्राइब, असेस, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल दोज कैटेगरीज ऑफ बिहेवियर विच आर कंसीडर एज अनयूजुअल एंड नॉर्मेटिव। स्टूडेंट्स, ये जो ब्रांच है मनोविज्ञान की, जिसे हम असामान्य मनोविज्ञान कहते हैं, इस ब्रांच में जो भी बिहेवियर या जो भी व्यवहार अनयूजुअल होता है, जो नॉर्मल नहीं होता है, जिसे हम एबनॉर्मल कहते हैं, असामान्य कहते हैं, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसको जानने की कोशिश की जाती है, और वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, इनकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, उसे हम इस क्षेत्र में पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको एबनॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है मनोविज्ञान का, वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। इट डील्स विद द एक्विजिशन, स्टोरेज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन द इंडिविजुअल यूजेस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट्स इवनिंग इवेंट्स हैपनिंग अराउंड हिम और हर। आपके आसपास जो भी घटनाएं घटित होती है, उसको किस प्रकार से आप स्टोर करते हैं, कैसे आप उसे याद रखने की कोशिश करते हैं, और इन इंफॉर्मेशंस को जो आपके मस्तिष्क में आप इकट्ठा करते हैं, उनको किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, वह सब हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। जैसे कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान क्या है, इसका हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। वे सारी घटनाएं जो हमारे मस्तिष्क में होती है, जो हमें डायरेक्ट दिखाई नहीं देती, वह हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान का तीसरा क्षेत्र है क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। इसे हम नैदानिक और परामर्श मनोविज्ञान भी कहते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी इज प्राइमरली कंसर्न विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जो भी मानसिक बीमारियां हैं, उन बीमारियों का उपचार और उनकी कैटेगरी का डायग्नोसिस करना ही नैदानिक मनोविज्ञान का कार्य होता है। यहाँ पर काउंसलिंग साइकोलॉजी में जो मानसिक बीमारियां हैं, उनको साइकोथेरेपी देकर ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो इन सभी का अध्ययन हम क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान। दिस फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इज मेनली कंसर्न विद एकेडमिक परफॉर्मेंसेस एंड इट स्टडीज द रोल ऑफ वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस लर्निंग प्रोसेसेस इन क्लासरूम सेटिंग। विद्यार्थियों, ये जो क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान, ये ज़्यादातर आपके शिक्षा से संबंधित होता है, और शिक्षा में जो भी परेशानियाँ आती है, या कोई बच्चे अगर ठीक ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, स्लो लर्नर होते हैं, तो इन सब का अध्ययन इस एजुकेशनल साइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी या पर्यावरण मनोविज्ञान। दिस फील्ड इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एनवायरमेंट एंड ह्यूमन बिहेवियर।
कैसे आपका वातावरण जो है वो आप मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करता है, इसको हम इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। और इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे नॉइज़, हीट, ह्यूमिडिटी या पॉल्यूशन या जो जो बाहर शोर होता है वह ह्यूमन के परफॉर्मेंस को या व्यक्तियों के जो परफॉर्मेंस होती है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी या औद्योगिक मनोविज्ञान भी मनोविज्ञान का क्षेत्र है, और ये जो फील्ड है वो जो है कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड मोड्स टू स्टडी द सेलेक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। जो भी उद्योग में कार्य करते हैं उनका व्यवहार किस प्रकार वहाँ के एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है, इसका अध्ययन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में किया जाता है। वहाँ की गर्मी, वहाँ का वातावरण, वहाँ के जो उद्योग में यूज़ आने वाले इक्विपमेंट्स, इन सब का उनकी प्रोडक्शन पर और उनके कार्य करने की क्षमता पर किस प्रकार इफ़ेक्ट डालता है, ये हम औद्योगिक मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी एक मनोविज्ञान का दूसरा फील्ड है, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या विकासात्मक मनोविज्ञान, दिस फील्ड इज़ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द सिस्टमेटिक चेंजेस विद इन द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस अक्रॉस द डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, विकास, विकास में कैसे जो बच्चा होता है वह इन्फेंट से चाइल्ड बनता है, चाइल्ड से एडोलेसेंट और एडोलेसेंट से अडल्ट, और अडल्ट के बाद किस तरीके से ओल्ड एज तक व्यवहार करता है, इसका अध्ययन किया जाता है। इन क्षेत्रों के अलावा भी स्टूडेंट्स मनोविज्ञान और कई नए फील्ड्स जो है उसमें भी यूज़ आ रहा है, और ये जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं वे हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या खेल मनोविज्ञान, मिलिट्री साइकोलॉजी, एविएशन साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, स्पेस पीस साइकोलॉजी, न्यूरो साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, फेमिनिस्ट साइकोलॉजी एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो विद्यार्थियों, हमने आज इस लेक्चर के अंतर्गत मनोविज्ञान के फील्ड्स का अध्ययन किया। आप सभी का वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।